वाह 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 वाह, भाग के बंद, शब्दों के बहाव को रोक सकता हूँ। एक बंद, पृथ्वी के गोले के घुमाव को रोक सकता हूँ। केवल मनोरंजन के लिए, दिल बहलाने के लिए, सर्वनाश फैलाने के लिए नहीं। वाह 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 वाह, अति उत्तम, सर्वोत्तम। भाइयों, बहनों, माताओं और पिताओं, ये है नेपाल के महान जादूगर। युवा जनों, तुम धरती की ताकत हो तो कदम आगे आ जाओ, आओ। अरे बुढ़ो, तुम जिंदगी की हिमाकत हो तो कदम पीछे हट जाओ। क्लब इंग्री गुरु, जनता जो चाहती है वो दिखाएं, या हम जो चाहते हैं वो जनता को दिखाएं? गुरु, जनता हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं। ए बुढ़े सी दिखा रहा है, जनता की पाड़ी तो देव पाड़ी है, जनता जो चाहती है भट्टारे वही दिखाओ। का के कू के की को की, गुरु जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके सिरों पर टोपियां पहना दो। अब देखो, आम फ्रेंच इंग्री गुरु, और क्या दिखाऊं रे? गुरु, इन सबके वस्त्र हरण कर दो, इनके कपड़े गायब करके इनको नंगा कर दो। हमारा काम नंगों को कपड़े पहनाना है, कपड़े उतार कर नंगे बनाना नहीं है। मांग कुछ और मांग। कौन है बे, कौन? अबे तू हंस रहा है या पहाड़ खोद रहा है? इस तरह भरे बाजार में हंसी का भोचाल पैदा करने के लिए तुझे कर देना पड़ेगा। कौन है तू? नेपाली मांत्रिक, नेपाली जादूगर, जनता के मनोरंजन के लिए नेपाल से यहाँ आए हैं। ये अगर नेपाल से आए हैं या किसी चौपाल से, या आए हैं ये भोचाल से, अगर मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन का कर भरना पड़ेगा। मनोरंजन का कर भर है? ये किसी कर से कम है? यही है हमारे मनोरंजन का कर। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। अबे उसे नहीं, इसे। आम फट। तांत्रिक मामा, यांत्रिक चाचा, मुझ में से ये औरत का रूप बाहर निकालिए, मुझे अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। आइंदा जो शब्द मुंह से निकालेगा वो बुद्धि में डुबा के निकालेगा ना? हाँ जरूर डुबा के निकालूंगा, लेकिन मेरे अंदर जो औरत डूबी हुई है उसे तो बाहर निकालिए मेरे बाप, मुझे फिर से वही शूरवीर बनाइए। पछता रहा है इसीलिए रूप लौटा रहा हूँ, वरना सारा जीवन घुंघरू बांध के यही नाचता रहता। राजबंधु, आपको तो उसी तरह औरत के ही रूप में रहना चाहिए था। क्यों, हम पर नियत आ गई थी क्या तुम्हारी? आपके ग्रह कह रहे हैं कि अगर आप गर्भवती हो जाते तो आपके भाग खुल जाते। भाग खुल जाते? अब मैं भी तुम दोनों के भाग खोलता हूँ। सिपाहियों, गिरफ्तार करके ले जाओ इन दोनों को। ले जाओ, बजाओ राजबंधु दया, राजबंधु दया हो। गुरु, ये सारी जनता हमारी भक्त जन है, पूछो इन्हें क्या उपहार चाहिए, हम पेश कर तालू। ये अक्षय पात्र है, सागर में उतना पानी नहीं निकलेगा जितना इसमें से माल निकलेगा। का के की कुकू, इस बुढ़े नाना के दांत ही नहीं है, इसको केला खिलाओ तो जाने। मतलब केला नहीं है रे? नहीं है, नहीं है ना? नहीं। प्रेम, प्रेम, प्रेम। बिना दांतों के मुंह को केला चाहिए। आम फट। लो, मुबारक चबाया हुआ केला खा लो, मुंह खोलो। खुदा भादा भीमू याके भट्टारे, इस प्यारी दुलारी को कुमकुम की डिबिया दो। ध्रुम प्रेम, ध्रुम कुमकुम की डिबिया चाहिए। आम फट। जमा कीजिए मंत्रिक जी, आपकी शक्ति को मैं दंडक प्रणाम करता हूँ, लेकिन केला और कुमकुम की डिब्बिया तो छोटी सी चीजें हैं, ऐसा जादू तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। अगर आप
सच्चे जादूगर है तो आप मुझे सोने की अशर्फियां दीजिए, तब मैं आपका मानूंगा कि आप कमाल के जादूगर है। दीजिए ना। क्राइस्ट, क्रेन, फ्रॉम, सोने की मोहरे चाहिए। आम फट। बाबू की मुगा के मुझे हीरे चाहिए। की के काके कुकू देते मुझे मोती चाहिए। काका कुकू मोटा तई तई टूटू मुझे सोने की मोहरे चाहिए। इस लोटे में क्या टटोल रहा है डिंबक? इससे जो निकलता है हमारी मांत्रिक शक्ति से निकलता है डिंबक। सच? और तेरे मन में क्या है वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तूने राजकुमारी से प्रेम किया, राजा ने कहा तेरे पास क्या है? महिला, दौलत ला, नौकर ला, चाकर ला, पालकी ला, तब हम अपनी सपुत्री का हाथ तेरे हाथ में देंगे। सुस्तान हूं मैं। मतलब? सत्य है नरे? बिल्कुल सच है। और तू क्या है वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। साहसी, हिम्मत वाला, सच्चाई के रास्ते पे चढ़तालू। और हमने ऐसे ही सज्जनों की सेवा करने के लिए इस नटनुमा संसार में जन्म लिया है। सच्चों का तुम्हें पुजारी नरे। तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, मगर उस मार्ग पे खतरांग है डिंबक। क्या उस रास्ते पे तू अपनी हिम्मत अपना साहस दिखा सकता है रेडिंबर्ग? जरूर जरूर दिखाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। आम हा शाबाश मुगलातीन, अस्तफरीन डिंबक। बहादुरी तेरा हिस्सा है तो उसके फल खाना मेरा हिस्सा है। चल कदम बढ़ा, जय पाताल भैरवी। क्या है चंचल जी, कितने मजे की नींद आ रही थी, हमारी नींद खराब कर दी। नहीं, बुरी बात, बुरी बात। इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोना चाहिए कि घर में घुसने वाले का पता भी ना चले। तुमको मालूम है तुम्हारे कमरे में चोर घुस आया है? चोर? क्या है? लगता है सपने में जिसको देखते हैं जागने के बाद उसे पकड़ने दौड़ते हैं। दरवाजा तो बंद था, बंद दरवाजे से कोई अंदर कैसे आ सकते हैं? वहाँ कोई नहीं है। कौन है पर्दे के पीछे? बाहर आ जा। कोई नहीं है ना? कोई नहीं है चंचल जी। अब बच के कहाँ जाएगा तू? किधर गया, किधर गया? क्या? चंचल जी, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है? विश्वास? आपकी बात पर मुझे विश्वास ना है? मुझे बहुत विश्वास आ रहा है। मैं चलता हूँ, कसम नजाकत की आपकी बात में मुझे विश्वास ना है। आया, आप सो जाइए, आप सो जाइए। नहीं आ रही, मैं लोरी सुना लेता हूँ। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। मुझे भी आ रही है, मैं चलता हूँ। आप जाइए, कोई नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो पर्दे ने मारा। मेरे प्रेम को स्वीकार करने वाली राजकुमारी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और प्रेम का ये छोटा नजराना पेश करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे
पकड़ लिया। राजकुमारी के कमरे में घुसता है। राजकुमारी के कमरे में लेके चलो इसे महाराज। नहीं, यहाँ कोई हो ही नहीं सकता, और होगा भी कैसे, दरवाजा तो बंद है, अंदर कोई कैसे आएगा। आऊ नलिनी, जल्दी जाकर पता करो वहाँ क्या हो रहा है। जी महाराज, ये दुष्ट सिपाहियों को घायल करता हुआ राजकुमारी की खाबगाह में घुस गया था, लेकिन मैंने अपनी बहादुरी, अपनी हिम्मत, अपनी जवां मर्दी से इसे पछाड़ दिया कसम नजाकत की। अब मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने सिपाहियों को कहकर इसका सर इसके तन से अलग करवा दीजिए। चोरों की तरह राजमहल में घुस आने का कारण? सवाल मत पूछिए, जलजले की तरह गर्दन उड़ा दीजिए। बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। राजकुमारी को देखने आया था। इसकी ये मजा है? इतनी बेशर्मी से इसने कह दिया कि राजकुमारी को देखने आया था, जैसे राजकुमारी कोई बीमारी है और ये कोई वैद्य है। मैं कहता हूँ ऐसे के मुंह मत लगिए, गर्दन काट दीजिए। खामोश, कोई बीच में नहीं बोलेगा। राजा तुम हो या हम हैं? आप हैं। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। इसका फैसला हम कल राज दरबार में करेंगे। ले जाओ ले जाओ।